भारतीय दिव्यांग यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग लोगों का कहना था कि प्रत्येक ट्रेन में एक डिब्बा रिजर्व होने के बावजूद भी उनको बैठने के लिए सीट नहीं मिलती। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने DRM ऑफिस पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। आज मैंने देखा कि दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, उसके लिए हम सब लोग जो है आज DRM साहब के यहाँ मिले थे, तो उनको ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वास्तविकता में दिव्यांगों को असुविधा होती है, उनमें जनरल लोग घुस जाते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो तुरंत हमारी पूरी टीम यहाँ पर DM कार्यालय पर आई, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ दिव्यांगों के लिए एक अलग से पार्किंग बनाई गई थी, उसमें भी अधिकारियों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ केवल दिव्यांगों की खड़ी रहें और यहाँ पर अविलंब जो यहाँ से बोर्ड उठा दिया गया है दिव्यांगों की पार्किंग का, मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूँगा कि जल्दी से यहाँ एक बोर्ड लगवाया जाए जिससे दिव्यांग अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ा कर सकें और हर आदमी देख सके कि ये दिव्यांगों के लिए जगह बनी हुई है। सर, प्रदर्शन क्या हम आज आगरा कैंट गए थे DRM महोदय से और RKF प्रबंधक महोदय से मिलने के लिए। हमने वहाँ पर ज्ञापन दिया है कि भारतवर्ष में प्रत्येक ट्रेन में एक दिव्यांगजनों के लिए डिब्बा रिजर्व होता है, कि इसमें दिव्यांगजन बैठकर सफ़र कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन हम आए दिन देखते रहते हैं कि दिव्यांगजनों के डिब्बे में नॉर्मल पैसेंजर सफ़र करते हैं या रेलवे के कर्मचारी सफ़र करते हैं, और हम दिव्यांग भाई बहनों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर हम उनसे सीट मांगते हैं तो वो अपनी सारी शक्ति का बंद दिखाकर हमारा मुँह बंद कर देते हैं, इसलिए हम बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए आज हमने DRM महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप सघन चेकिंग कराएं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर, और आगरा मंडल में जितने भी रेलवे स्टेशन आते हैं वहाँ पर अपने जवानों के द्वारा चेकिंग कराएं।